Welcome, good morning all of you. Today's topic: digestive system, blood supply of large intestine, colon, rectum and anal canal. आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम में अपन क्या पढ़ेंगे, ब्लड सप्लाई ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनल कैनाल। इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने किन चीजों पे डिस्कस किया था, प्रीवियस लेक्चर अपना था लार्ज इंटेस्टाइन, कोलन, रेक्टम, एनल कैनाल के बारे में पढ़ा था, पार्ट्स पार्ट के बारे में पढ़ा था, इनके बारे में अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो एक बार नया लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो अपना प्रीवियस लेक्चर है उसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनल कैनाल। सबसे पहला पॉइंट अपना है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग, बिगनिंग एट द सिकम इन द राइट इलियक फोसा एंड टर्मिनेटिंग एट द रेक्टम एंड एनल कैनाल डीप इन द पेल्विस। जो अपनी लार्ज इंटेस्टाइन है वो 1.5 मीटर लॉन्ग होती है, कहाँ, सिकम, बिगनिंग एट द सिकम इन द राइट इलियक फोसा एंड टर्मिनेट एट द रेक्टम एंड एनल कैनाल। टर्मिनेट कहाँ पे होती है, रेक्टम एंड एनल कैनाल पे क्या है, टर्मिनेट होती है डीप इन द पेल्विस। इट्स ल्यूमन इज लार्जर देन दैट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका जो ल्यूमन है वो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्जर होता है। इट फॉर्म एन आर्च अराउंड द कोक्लॉइड अप स्मॉल इंटेस्टाइन। फॉर डिस्क्रिप्टिव पर्पज द कोलन इज डिवाइडेड इन टू सिकम, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइड कोलन एंड रेक्टम एंड एनल कैनल। इसको डिस्क्राइब करने के लिए जो है इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, सिक्किम में डिवाइड किया गया है, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइड कोलन, रेक्टम एंड एनल कैनल। ये क्या है, इसको डिस्क्रिप्टिव पर्पज के हिसाब से यानी कि डिस्क्राइब करने के लिए, एक एक चीज़ को समझने के लिए क्या है, इनको डिवाइड किया गया है। पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन डायग्राम है, डायग्राम के अंदर अपने को इसमें असेंडिंग कोलन दिखाया गया है, ट्रांसवर्स कोलन दिखाया गया है, सिक्किम दिखाया गया है, सिग्मोइड कोलन दिखाया गया है, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स दिखाई गई है और अपने को रेक्टम दिखाया गया है। सिक्किम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कोलन। सिक्किम क्या है, फर्स्ट पार्ट होता है। इट इज डायलेटेड रीजन विच हैज ए ब्लाइंड एंड इंफीरियरली एंड इज कंटिन्यूस विद द असेंडिंग कोलन सुपीरियरली। ये क्या है, डायलेटेड रीजन है विच इज ब्लाइंड एंड इज इंफीरियरली एंड कंटिन्यूस विद द असेंडिंग कोलन सुपीरियरली। सुपीरियरली में क्या है, असेंडिंग कोलन के साथ कंटिन्यूस रहता है। जस्ट बिलो द जंक्शन ऑफ द टू इलियोसिकल वॉल ओपन फ्रॉम द इलियम। जो अपने इलियम के अंदर जो दो वॉल ओपन होते हैं उसके क्या है, जस्ट बिलो होता है ये। इट द वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स इज ए फाइन ट्यूब क्लोज एट वन एंड विच लीड फ्रॉम द, ये जो वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स है जो टेल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगी वो क्या है, फाइन ट्यूब है। कहाँ पे, इसके एंड पार्ट पे क्या है, सिचुएटेड रहती है। It is usually about 13 centimeter long and has the same structure of as well as colon but continuous more lymphoid tissue. जो अपनी जो वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स है इसकी स्ट्रक्चर कितनी होती है, 13 centimeter long होती है
और ये क्या है, सेम ऐसी कोलन की तरह स्ट्रक्चर होती है, बट ये क्या है, इसके अंदर लिम्फोइड टिश्यू पाए जाते हैं। जैसे इसके अंदर क्या है, इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो अपेंडिसाइटिस की क्या है कंडीशन डेवलप हो जाती है, जिससे क्या है जिस टाइम पे अपन क्या करते हैं, जो अपने वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के इसको रिमूव कर देते हैं सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू। यह जो अपना इसके अंदर इंटीरियर ऑफ द सिक्किम के अंदर कौन से असेंडिंग कॉलन है, इलियोसिकल वॉल्व है, टर्मिनल इलियम दिखाया गया है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स दिखाई गई है, ओपनिंग ऑफ द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स दिखाई गई है, सिक्किम दे है। असेंडिंग कॉलन दिस पास अपवर्ड फ्रॉम द सिक्किम टू द लेवल ऑफ लिवर वेयर इज कर्व एक्चुअली टू द लेफ्ट एट द हेपेटोफ्लेक्सर टू बिकम द ट्रांसवर्स कॉलन। दिस इज पास अपवर्ड फ्रॉम द सिक्किम टू लेवल ऑफ लिवर, ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, सिक्किम से लेके लिवर तक जा रहा है। वेयर इज कर्व, जो इसका कर्व है वो एक्चुअली टू लेफ्ट एट द हेपेटिक फ्लेक्चर टू बिकम ट्रांसवर्स कॉलन। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसवर्स कोलन, ट्रांसवर्स में क्या है, दिस इज ए लूप ऑफ कोलन, ये क्या है लूप है किसका, कोलन का, विच एक्सटेंड अक्रॉस द एब्डोमिनल कैविटी, कहाँ तक जा रहा है, क्रॉस किसको कर रहा है, एब्डोमिनल कैविटी, इन फ्रंट ऑफ द ड्यूडिनम, कहाँ पे, फ्रंट ऑफ द ड्यूडिनम एंड स्टमक टू द एरिया ऑफ स्प्लीन, कौन से एरिया में, स्प्लीन में, वेयर इज फॉर्म द स्प्लेनिक फ्लेक्चर, कहाँ बनते हैं वहां, क्या बनते हैं वहां पे, स्प्लेनिक फ्लेक्चर बनते हैं, एंड कर्व एक्चुअली, जो कर्व जो है वो डाउनवर्ड टू बिकम द डिसेंडिंग कॉलन, जो कर्व जो है वो कहां पे जा रही है, डाउनवर्ड द डिसेंडिंग कॉलन। द डिसेंडिंग कॉलन दिस पास डाउन द लेफ्ट साइड ऑफ द अबडोमिनल कैविटी, ये कहाँ पे जा रहा है, पास डाउन द लेफ्ट साइड ऑफ द अबडोमिनल कैविटी, यानी कि डाउनवर्ड में किसकी तरफ, लेफ्ट साइड ऑफ द अबडोमिनल कैविटी, देन कर्व द मिड लाइन, द कर्व टुवर्ड द मिड लाइन आफ्टर इट एंटर द ट्रू पेल्विस इज नोन एज सिग्मोइड कोलन। जब ये क्या है अपने ट्रू पेल्विस के अंदर एंटर हो जाता है, उस तब क्या बोलते हैं इसको, सिग्मोइड कोलन बोलते हैं। सिग्मोइड कोलन, सिग्मोइड कोलन क्या है, एस शेप का कर्व है इन द पेल्विस, देन कंटिन्यूस डाउनवर्ड द टू द बिकम द रेक्टम, और ये रेक्टम की तरफ क्या है, डाउनवर्ड रहता है। द रेक्टम इज ए स्लाइटली डायलेटेड सेक्शन, जो रेक्टम है अपना वो क्या है, स्लाइटली डायलेटेड सेक्शन है ऑफ द कोलन, कोलन का अबाउट 13 सेंटीमीटर लॉन्ग, 13 सेंटीमीटर क्या है लॉन्ग स्ट्रक्चर होती है। इट लीड फ्रॉम द सिग्मोइड कोलन, ये किसको लीड करता है, सिग्मोइड कोलन को लीड करता है, एंड टर्मिनेट इन द एनल कैनाल, और किसको टर्मिनेट, कहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, एनल कैनाल पे टर्मिनेट हो रहा है, द एनल कैनाल। द एनल कैनाल इज ए शॉर्ट पास पासिंग अबाउट 3.8 सेंटीमीटर लॉन्ग इन द एडल्ट एंड लीड फ्रॉम द रेक्टम टू द एक्सिलेटर। टू स्पिंचर मसल्स कंट्रोल द एनस, दो स्पिंचर मसल्स होती हैं, कौन सी, इंटरनल स्पिंचर और एक्सटर्नल स्पिंचर। जो इंटरनल स्पिंचर है वो क्या है, कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल्स, वो किसके द्वारा बनती हैं, स्मूथ मसल्स के द्वारा बनती हैं, इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एब्डोमिनल नर्व और ऑटोनोमिक नर्व, इसके अंदर क्या है, सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक दोनों तरफ से क्या है, नर्व कंट्रोल होता है। और एक्सटर्नल जो स्पिंचर है वो किसके द्वारा बनता है, स्केलेटल मसल्स के द्वारा बनता है, और इसके अंदर क्या है, वॉलंटरी कंट्रोल प्रेजेंट होता है। ये क्या है, अरेंजमेंट ऑफ द मसल्स फाइबर इन द कोलन रेक्टम एंड एनल कैनाल सेक्शन हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द शो द लेयर, जो अरेंजमेंट है किसमें, मसल फाइबर कोल में, वो क्या है, इस डायग्राम में दिखाए गए हैं सारे के सारे। ये एक्सटर्नल
स्पिंचर है, ये अपना इंटरनल स्पिंचर है। ये स्केलेटल मसल्स का बना हुआ है, ये स्मूथ मसल्स का बना हुआ है। देन आफ्टर अपनी आती है स्ट्रक्चर। द फोर लेयर ऑफ टिश्यू डिस्क्राइब इन द बेसिक स्ट्रक्चर, जो अपनी स्ट्रक्चर है वो कितनी, चार जो है लेयर के अंदर क्या है अपनी स्ट्रक्चर बनती है, जो अपनी एलिमेंट्री कैनाल है उसकी, बट इसके अंदर क्या है जो भी अपने को चेंजेज हैं उनके बारे में क्या है अपन इसमें डिस्कस करेंगे। बाकी जो अपनी लेयर हैं वही होती हैं। द फोर लेयर ऑफ टिश्यू डिस्क्राइब इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आर प्रेजेंट इन द कोलन, द रेक्टम एंड एनल कैनाल। द अरेंजमेंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फाइबर्स इज मॉडिफाइड इन द कोलन, दे डू नॉट फॉर्म ए स्मूथ कंटिन्यूस लेयर। ये क्या है, इसके अंदर क्या है, स्मूथ कंटिन्यूस लेयर नहीं होती ऑफ टिश्यू, बट आर कलेक्टेड इन द थ्री बैंड कॉल्ड टीनियोकोलाई, स्टूडर्ड एंड रेगुलर इंटरवल्स अराउंड द कोलन। दे स्टॉप एट द जंक्शन ऑफ द सिग्मोइड कोलन एंड द रेक्टम, एज दीज बैंड ऑफ मसल्स टिश्यू आर स्लाइटली शॉर्टर देन द टोटल लेंथ ऑफ द कोलन, दे गिव ए सेक्रेटेड पकर्ड अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गन। The muscles fibers spread out as a basic structure and completely surround the rectum and anal canal. The anal sphincter is formed by the thickening of the circular muscles layer. किससे बनते हैं? Circular muscles layer से. In the submucosal layer, there is more lymphoid tissue than in any other part of the alimentary tract. Provide non-specific defense against microbes. Microbes से क्या है? Prevent करते हैं. In the muscle, mucosal lining of the colon and the upper region of the rectum are larger number of globular cells forming simple tubular glands which secrete the mucus. ये क्या है जो mucus का secretion करती हैं? They are not present beyond the junction between the rectum and anus. The lining membrane of the anus consists of certified squamous epithelium continuous with the mucous membrane lining of the rectum above and which merge with the skin beyond the external and anal sphincter. The upper section of anal canal, the mucous membrane is arranged in the 6 to 10 vertical fold. 6 से 10 के इसके अंदर vertical fold present होते हैं. Each column contains the terminal branch of the superior rectal artery and vein. देन आफ्टर क्या है अपनी ब्लड सप्लाई। तो सबसे पहले क्या है आर्टेरियल ब्लड सप्लाई, यानी कि ब्लड आर्टेरियल ब्लड कौन सप्लाई करता है, जिसके दौरान क्या है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट जाते हैं। द आर्टेरियल सप्लाई इज मेनली बाय द सुपीरियर एंड इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। जो अपनी सुपीरियर और इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी है वो क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है। तो सबसे पहले द सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी सप्लाई द सिकम एंड सेंडिंग कोलन एंड मोस्ट ऑफ द ट्रांसवर्स कोलन। जो सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी है वो किस किस को सप्लाई कर रही है, सिकम असेंडिंग कोलन एंड मोस्ट ऑफ द ट्रांसवर्स कोलन। नेक्स्ट अपना द इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, तो जो इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी है वो किसको सप्लाई कर रही है, सप्लाई द रिमाइंडर ऑफ द कोलन एंड प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द रेक्टम। जो अपने कोलन है और जो अपना प्रोक्सिमल पार्ट है किसका, रेक्टम को, उसको क्या है ब्लड सप्लाई करती है। द डिस्टल सेक्शन ऑफ द रेक्टम एंड एनएस आर सप्लाइड बाय द ब्रांचेस फ्रॉम द इंटरनल इलियक आर्टरी। तो डिस्टल सेक्शन है उसको कौन करता है, डिस्टल सेक्शन ऑफ द रेक्टम एंड एनएस आर सप्लाइड बाय द ब्रांचेस फ्रॉम द इंटरनल इलियक आर्टरी। इंटरनल इलियक आर्टरी है वो क्या है, ब्लड सप्लाई करती है।
वीनस ड्रेनेज, वीनस ड्रेनेज का मतलब रिटर्न कौन लेके जा रहा है, इट इज मेनली बाय द सुपीरियर एंड इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन। जो सुपीरियर और इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन है वो क्या करती है, वीनस रिटर्न करती है, विच ड्रेन ब्लड फ्रॉम द पार्ट सप्लाइड बाय आर्टेरियल ऑफ द सेम नेम। जिस आर्टरी ने सप्लाई किया है उसी की जो वेन है वो क्या करेगी, उसी नेम की जो वेन है वो क्या कर रही है, वीनस ड्रेनेज कर रही है। दिस वेन जॉइन द स्प्लेनिक एंड गैस्ट्रिक वेन फ्रॉम द पोर्टल वेन। ये क्या है, पोर्टल वेन का क्या है, ब्रांचेज है। वीनस ड्रेनेज द डिस्टल पार्ट ऑफ द रेक्टम एंड द एनस जॉइन द इंटरनल इलियक वेन। और ये कहाँ पे जाके कनेक्ट होती है, इंटरनल इलियक वेन के अंदर जाके कनेक्ट होती है। देन आफ्टर क्या है, फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम एंड एनल कैनाल। रेक्टम एंड एनल कैनाल और जो अपनी लार्ज इंटेस्टाइन है उसके फंक्शन क्या है, अब्जॉर्प्शन, माइक्रोबियल एक्टिविटीज, अब्जॉर्प्शन करते हैं, माइक्रोब से प्रिवेंट करते हैं, मास मूवमेंट्स होते हैं, डिफिकेशन, कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फीकस, ये क्या है, इसके फंक्शन है। देन आफ्टर क्या, अपनी पैनक्रियाज, पैनक्रियाज इन रिलेशन टू द ड्यूडेनम एंड बाइल ट्रैक्ट पार्ट ऑफ द एंटीरियर वॉल ऑफ द ड्यूडेनम हैज बीन रिमूव्ड। द पैनक्रियाज इज ए पेल ग्रे ग्लैंड वेट अबाउट 60 ग्राम। जो पैनक्रियाज जो है वो क्या है, पैल ग्रे कलर की क्या है, ग्लैंड है, जिसका वेट कितना होता है, लगभग 60 ग्राम होता है। इट इज द अबाउट 12 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, 12 से 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है, सिचुएटेड इन द एपिगेस्ट्रिक रीजन, एपिगेस्ट्रिक एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। कहाँ पे सिचुएटेड होती है, एपिगेस्ट्रिक और जो अपनी लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है किसकी, एब्डोमिनल कैविटी, वहाँ पे क्या है ये सिचुएटेड होती है। इट कंसिस्ट ऑफ ए ब्रॉड हेड एंड बॉडी एंड नैरो टेल। ये क्या है, कंसिस्ट होती है किससे, इसका जो हेड है वो बड़ा होता है, बॉडी होती है, और जो इसका पूंछ है वो क्या है, नैरो होती है।
द हेड लाइज इन द कर्व ऑफ द ड्यूडिनम, जो हेड है वो कहाँ पे होता है, लाइज इन द कर्व ऑफ द ड्यूडिनम, द बॉडी बाइंड द स्टमक एंड टेल लाइज इन फ्रंट ऑफ द लेफ्ट किडनी एंड जस्ट रीच द स्प्लीन। जो हेड जो है वो क्या है, ड्यूडिनम में होता है, बॉडी ब्लाइंड स्टमक में होती है, टेल है वो फ्रंट ऑफ द किडनी, किडनी के फ्रंट में होती है। द एब्डोमिनल आयटा एंड द इंफीरियर वेना केवा लाइज बिहाइंड द ग्लैंड, जो एब्डोमिनल आयटा और जो अपना इंफीरियर वेना केवा क्या है, कहाँ पे सिर्फ बिहाइंड द ग्लैंड। द पैनक्रियाज इज बोथ एक्जोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, जो पैनक्रियाज है वो क्या है, एक्जोक्राइन है, एंजाइम का एंजाइम भी है होते हैं इसके अंदर, और जो अपने हॉर्मोन सिक्रेशन भी होते हैं। द एक्जोक्राइन पेनक्रियाज, दिस कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ द लोबल्स मेड अप ऑफ स्मॉल एल्वोलाई, द वॉल ऑफ विच कंसिस्ट ऑफ द सेक्रेटरी सेल्स, क्या है द लार्ज किससे बनती है, दिस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ द लोबल्स मेड अप द स्मॉल एल्वोलाई, स्मॉल एल्वोलाई है उनसे क्या बनती है, द वॉल ऑफ कंसिस्ट ऑफ द सेक्रेटरी सेल्स, इसकी वॉल जो किससे बनती है, सेक्रेटरी सेल्स जो सिक्रेशन करती है। ईच लोबल्स इज ड्रेन्ड बाय अ टिनी डक्ट, जो ईच लोबल्स है वो ड्रेन करता है किसके द्वारा, टिनी डक्ट के द्वारा, एंड एंटिल इंटिल द टू फॉर्म द पैनक्रियाटिक डक्ट विच एक्सटेंड होल लेंथ ऑफ द ग्लैंड एंड ओपन इनटू द ड्यूडिनम, और ये कहाँ पे ड्यूडिनम हो रहा है, कहाँ पे ओपन है, ड्यूडिनम में, यानी कि एक्जोक्राइन का और एंडोक्राइन में क्या डिफरेंस है, एक्जोक्राइन के अंदर क्या है, एंजाइम सीक्रेट होते हैं, और अपने जो एंडोक्राइन है उसके अंदर क्या है, अपने हॉर्मोन सिक्रेट होते हैं। जस्ट बिफोर एंटरिंग द ड्यूडिनम द पैनक्रियाटिक डक्ट जॉइन द कोलम कॉमन बाइल डक्ट फ्रॉम द हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्पुला, ये क्या है, जैसे ही एंटर होगी ड्यूडिनम, पैनक्रियाटिक डक्ट किससे ज्वाइन होगी, कॉमन बाइल डक्ट से, जो कहाँ पे जा रही है, अपनी हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्पुला पे। द ड्यूडिनम ओपनिंग ऑफ द एम्पुला इज कंट्रोल्ड बाय द हेपेटोपैनक्रियाटिक स्फिंक्टर, द फंक्शन ऑफ द एक्जोक्राइन पैनक्रियाज इज प्रोड्यूस पैनक्रियाटिक जूस कंटेनिंग एंजाइम दैट डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट, जो अपना क्या है, फंक्शन क्या है इसका, जो अपना एक्जोक्राइन के अंदर क्या बताया था अपने, एक्जोक्राइन जो है वो क्या करती है, एंजाइम्स का सिक्रेशन करती है, और यहाँ पे जो अपना जो पैनक्रियाटिक जूस जो है वो सिक्रेट होगा, और सिक्रेट होने के बाद क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा किसको, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट को, जिसके बाद अपनी एंडोक्राइन, एंडोक्राइन क्या करती है, हार्मोन सिक्रेट करती है, स्प्लेस कॉल्ड द पैनक्रियाटिक आइसलेट, दिस आइसलेट हैव नो डक्ट सो हार्मोन डिफ्यूजन डायरेक्टली इनटू द ब्लड, और यह जो हार्मोन सिक्रेट होता है कि किस में जा रहा है अपना, डायरेक्टली ब्लड के अंदर चला जाता है। द फंक्शन ऑफ द एंडोक्राइन पैनक्रियाज इज टू सिक्रेट द हार्मोन इंसुलिन एंड ग्लूकागोन व्हिच आर प्रिंसिपली कंसर्न विद द कंट्रोल ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, और ये जो अपना जो इंसुलिन है, ग्लूकागोन है, ये क्या करती है, किसको कंट्रोल करती है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करती है। इसके बाद अपनी आती है ब्लड सप्लाई, जो अपनी स्प्लेनिक आर्टरी और मेजेंट्रिक आर्टरी है वो क्या करती है, आर्टरियल ब्लड सप्लाई करती है किसको, पैनक्रियाज को। इसके बाद अपना आता है वीनस ड्रेनेज, वीनस ड्रेनेज कौन करता है, ड्रेनेज बाय द वेन ऑफ द सेम नेम स्प्लेनिक एंड मेजेंट्रिक वेन, ये जो अपनी जो आर्टरी सप्लाई करती है उसी की जो वेन है वो क्या करती है, वीनस रिटर्न करती है।
देन आफ्टर अपनी आती है नर्व सप्लाई, जो अपना पैरासिंपेथेटिक स्टिमुलेशन है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है किसको, सिक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, एंड सिंपेथेटिक जो है वो क्या करता है, डिप्रेस करता है। थैंक्स टू ऑल।